तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। हेलो दोस्तों, ये दोस्तों ये गाड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर। ये गाड़ी है ये ओवरहीट हो चुकी है। आज हम इसका सिलेंडर हेड का काम करवाएंगे। इसकी की ऑन। ये गाड़ी देख सकते हो 1,66,000 किलोमीटर चल चुकी है। ये गाड़ी ओवरहीट हो गई थी ज़्यादा। इसमें था क्या, दिखाते हैं। सबसे पहले इस जगह इसका हुड का लीवर है, बोनेट का। यहाँ से इसे लाइट को खींच के बोनेट ओपन करके दिखाते हैं उसके आगे से कंडीशन। इसमें गाड़ी ओवरहीट होने से ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, इतनी हीट हो गई। इसमें ऑयल पानी मिक्स हो चुका है। दिखाते हैं आगे से। एक गाड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर। स्विफ्ट डिजायर उसका दिखाते हैं आगे से कंप्लीट। दोस्तों ये इसका जो बोनेट है वो हमने ओपन कर लिया है। इसका जो इंजन है वो फ्रंट में है, जो आप देख सकते हो। इसका आज हम सिलेंडर हेड रिमूव करेंगे क्योंकि गाड़ी ओवरहीट हो गई है। उस कंडीशन में अब इसका सिलेंडर हेड बाहर निकाल के फिर हम चेक करेंगे कि रिपेयर लायक है या रिप्लेस लायक। करते हैं इसकी फिटिंग की रिमूव। फिटिंग बहुत अच्छी थी क्योंकि CNG गाड़ी है। दोस्तों ये जो हमने इसका एयर फिल्टर लगा था ये इसकी बॉडी कंप्लीट रिमूव कर ली है। अब ये बारी इसकी CNG फिटिंग को रिमूव करने की है। क्योंकि इसकी CNG की जितनी फिटिंग होती है इनमें वायरिंग कुछ ज़्यादा होती है। बड़ी केयरफुली इसकी वायरिंग रिमूव करनी पड़ती है, नहीं तो गाड़ी जो है वो स्टार्ट ही नहीं होगी। इसमें जितनी भी वायरिंग है सब आराम से रिमूव करते हैं। ये CNG किट है। इसकी वायरिंग रिमूव करेंगे, किट को हटाएंगे। करते हैं। दोस्तों ये क्या एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। गाड़ी हीट होने से हुआ क्या, जितना भी कूलेंट था ये सारा एग्जॉस्ट के थ्रू सारा बाहर आ चुका है। देख सकते हो। ये इसकी गैस किट है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड गैस किट। ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है जिस पे जंग लगा है। जितने भी इसकी साइडों की फिटिंग थी हमने सारी कम्प्लीटली रिमूव कर ली है। जितनी भी बाकी अब फिटिंग बची है इसमें सिलेंडर हेड रिमूव करना रह गया। देख सकते हो। इस जगह इसका इनलेट मैनिफोल्ड लगता है जो हमने रिमूव कर लिया है। ऊपर टैपिट कवर, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, जितनी फिटिंग थी CNG वगैरह सब कंप्लीट हमने रिमूव कर दी है। अब बाकी जितनी फिटिंग है करते हैं इसे धीरे धीरे रिमूव। जैसे सिलेंडर हेड कवर है, ये इसकी इंजन माउंटिंग है इसे भी रिमूव करेंगे। इधर किट थी वो भी रिमूव हो गई। अल्टरनेटर, ये इसका स्टार्टर मोटर है। जितनी भी फिटिंग है धीरे धीरे कम्प्लीटली इसे रिमूव करते हैं। इस जगह इसकी CNG किट थी वो भी रिमूव कर ली है। दोस्तों इसका हमने सिलेंडर हेड कवर या टैपिट कवर जिसे कहते हैं नॉर्मली, ये रिमूव कर लिया है। इसका जो देख सकते हो ये कलर चेंज हो चुका है इंजन ऑयल का, क्योंकि ये गाड़ी हीट होने से, ज़्यादा हीट होने से ऑयल और जो कूलेंट है दोनों मिक्स हो चुका है। अब इसे रिमूव करते हैं। जितनी फिटिंग है साइडों की, जैसे टाइमिंग कवर वगैरह, टाइमिंग कवर रह गया इसकी केमे ऑयल खराब, हीट रिमूव करते हैं। उसके बाद हम इसकी कंडीशन दिखाएंगे। हेड रिपेयर हो जाएगा, नहीं तो रिपेयर नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम इसे रिप्लेस करेंगे। ये इसका टैपिट कवर है फिटिंग अभी भी काफ़ी है। दोस्तों जो इसकी दोनों केम चार्ट है दोनों हमने रिमूव कर दी है। अब इसकी बारी है सिलेंडर हेड को रिमूव करने की। इसके 10 बोल्ट होते हैं। टोटली रिमूव करके इसे करते हैं बाहर। दोस्तों इसका सिलेंडर हेड हमने रिमूव कर दिया है। देख सकते हो ये सब पिस्टन में कूलेंट भरा हुआ है। सबसे ज़्यादा ये थर्ड नंबर सिलेंडर है। इसी में कूलेंट भरा हुआ है एकदम। ये तो सभी से रिमूव करते हैं कूलेंट को, नहीं तो इसका
सिलेंडर बोर में भी डिफेक्ट आ जाएगा, सो इसे साफ़ कर लेते हैं जब तक। सो फिर दिखाते हैं आपको सिलेंडर हेड की कंडीशन कैसी है फ़िलहाल। सो इसमें जो डिफेक्ट है इसके सिलेंडर हेड में है, सो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, सो रिपेयर भी हो सकता है, सो चेंज भी हो सकता है। सो दोनों कंडीशन दिखाते हैं आपको। सो ये इसका सिलेंडर हेड है। सो दोस्तों ये इसका सिलेंडर हेड है जो हमने रिमूव कर लिया है, सो देख सकते हो। सो अब होगा क्या, इसे थोड़ा क्लीन करेंगे। सो ऐसे दिख नहीं रहा कितना गला है, क्या कंडीशन है इसकी। सो है डिफेक्ट के सिलेंडर हेड में ही, तो थोड़ा ये मशीन से इसे क्लीन कर लेते हैं। तो उसके बाद दिखाते हैं आपको क्या कंडीशन है इसकी। ये सिलेंडर हेड है, ये पूरा साफ करते हैं भी क्लीन, तो फिर दिखाते हैं आपको। तो इससे होगा क्या, जितना भी जो गल गया होगा पार्ट वो हम इजीली देख सकते हैं। सो इससे हमें कंडीशन भी पता चल जाएगी कि सिलेंडर हेड की कंडीशन रिपेयर करने लायक है क्या, रिप्लेस लायक। तो दोनों कंडीशन हमें इजीली दिख जाएगी अभी। तो अभी होने वाला है, तो जल्दी करते हैं। सो दोस्तों जो इसका ये सिलेंडर हेड है, सो ये डेड हो चुका है। सो देख सकते हो ये इसमें होल हो गए पूरे ये। सो अब ये डेड हेड एकदम वेस्ट है। सो इसमें सिलेंडर हेड रिप्लेस करेंगे। सो ये पूरा आ चुका है। सो कटते के साथ पूरा वॉल सट जाएगा। सो आज हम इसमें सिलेंडर हेड रिप्लेस करेंगे। सो सेकेंड हैंड डालेंगे, देखते हैं अभी अगर मिल जाए तो। और साथ में ये ब्लॉक ये भी खुल के फेस होगा। सो क्योंकि इसका हेड रिप्लेस होगा, सो गाड़ी ज़्यादा ही हीट हो गई थी, सो ये हिस्सा डाउन हो जाता है। सो अब इसे देखते हैं, खोलते हैं फिटिंग को। सो उसके बाद इसे फेस करवाते हैं। सो फिर इसमें हेड रिप्लेस करके सो कंप्लीट करते हैं फिटिंग। सो इस जगह था क्या, इस जगह इसके पिस्टन थे लगते हैं, वो उसकी क्रैंक शाफ्ट है। सो इस जगह ये वाटर पंप, इसकी पाइपलाइन, अल्टीमीटर, स्टार्टर मोटर, ये मैनिफोल्ड है। सो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड भी है, सो वो निकाल रखा है। सो एसी कंप्रेसर, तो अब इसका जो हेड है कंडीशन ये है चेंज होगा। तो दोस्तों ये इसका सिलेंडर हेड आ चुका है न्यू। सो आज हम इसका सिलेंडर हेड रिप्लेस करेंगे। सो कंडीशन ऐसी हो गई थी क्योंकि जो पुराना था वो गल चुका था। सो ये देख सकते हो, ये MGP का जेन्युइन स्पेयर पार्ट है जो मारुति देती है। सो कंडीशन इसकी ऐसी हो गई थी जो चेंज लायक थी, क्योंकि एकदम जो हेड था वो बिल्कुल गल चुका था। सो ये इसके टोटल 16 वॉल्व है। सो क्योंकि ये जो कंपनी से हेड आता है, सो ये खाली आता है, इसमें कोई फिटिंग नहीं होती। सो अभी बाहर निकालेंगे, फिर आपको इसकी फिटिंग दिखाएंगे। सो जितनी फिटिंग है सब रिमूव रहेंगी। सो बाकी जो भी जैसे रॉकर आर्म, जो भी इसके पार्ट्स है, रॉकर, स्प्रिंग, लॉक, सब पुराने हेड के इसमें लगेंगे। सो इसमें वॉल सील रिप्लेस होगी। सो देख सकते हो बाहर कर दिया। सो इसका मैच करवाते हैं, अब दोनों को साथ रखेंगे। सो फिर इसका मैचिंग करवाएंगे। सो जो पुराना था, सो इसका इस जगह से हिस्सा एक गल चुका था। सो अब न्यू में एकदम न्यू है, सो कोई दिक्कत नहीं है। सो इसके ये वॉल्व है, सो ये भी लगेंगे। सो अब करते धीरे। सो दोस्तों ये दोनों हेडों को रख दिया सामने। सो ये पुराना हेड है, ये नया हेड है। सो इसमें हमें देखना क्या क्या होता है, सो अब हम ये बताएंगे। सो इसकी दोनों फिटिंगें सो कंप्लीट सेम होनी चाहिए, जैसे आप देख सकते हो। सो इसमें जितनी भी फिटिंगें है, क्योंकि क्या होता है इसमें सिंगल
पार्ट्स नहीं होते क्योंकि दोनों में एक ही मॉडल के दो तीन होते हैं, सो उसमें हमें देखना ज़्यादा पड़ता है। सो जैसे ऊपर का है सो पूरा कंप्लीट उसमें सेम होना चाहिए, जितनी भी साइडों की फिटिंग है, जैसे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की जो लोकेशन है, किस जगह हमारा होल है, तो दोनों एकदम हेडों में सेम होना चाहिए, नहीं तो उसके जो पार्ट्स है वो लगेंगे ही नहीं, ये ध्यान रखना। सो ये देख सकते हो, सो दोनों होल एकदम सेम होने चाहिए, अगर दोनों सेम नहीं होंगे तो फिटिंग ही नहीं होगा। और इसमें जैसे ये देख सकते हो 68P, जो ये 68P है, जो नया वाला है, सो उसमें भी 68P होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इसकी कोडिंग होती है जिससे हम इजीली हम हेड को फाइंड कर सकते हैं, और इसकी ये तो होना चाहिए, और बाकी इसकी जितनी फिटिंग है सब सेम होनी चाहिए मेन। अगर फिटिंग सेम नहीं होगी तो हेड फिट ही नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बार इसमें फिटिंग हो गई सो ये फिट नहीं होगा, उसके बाद रिटर्न नहीं होते। सो इसमें हमें काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। सो देख सकते हो जो ये पुराना वाला था बिल्कुल गल चुका था, सीटें वगैरह सब एकदम ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि ये गाड़ी CNG पे ज़्यादा चलती है, सो इसमें थोड़ी लाइफ कम हो जाती है CNG पे। सो इतनी भी नहीं, क्योंकि गाड़ी में क्या होता है कि हमेशा टाइम टू टाइम सर्विस करवाओ, कूलेंट वगैरह सब चेंज करवाओ, सो ऐसी दिक्कत नहीं आती। तो क्या होता है ये देख सकते हो, सो नए वाले में और इसमें कितना फ़र्क है। तो साइड से दिखा देते हैं, साइड से ये एल्बो की लोकेशन है, इस जगह हमारी इंजन सिलेंडर हेड एल्बो लगेगी, जो ऊपर इस जगह से राइटर में लगी रहती है, कनेक्ट रहती है हॉस पाइप के थ्रू। सो ये देख सकते हो दोनों इसकी जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की लोकेशन है सेम है, एल्बो की सेम है। अब इनलेट मैनिफोल्ड की लोकेशन दिखा देते हैं, सो ये भी दोनों एकदम सेम होनी चाहिए। सो देख सकते हो, सो अब इस वाले हेड को दिखाते हैं एक बार रख के सीध में, क्योंकि फिटिंग होने में टाइम लगेगा। सो ये दोनों आ चुके हैं एक लाइन में, सो ये दोनों देख सकते हो जो डाई है दोनों कंप्लीट सेम होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा इसका इनलेट मैनिफोल्ड ही फिट नहीं होगा। सो दोनों अभी सेम है, साइडों की फिटिंग भी सब देख सकते हो सेम है, सो इस जगह ये दोनों सेम है। सो अब बाकी है, बारी है इसकी जितने भी वॉल वगैरह है, सो अब कंप्लीट इसकी फिटिंग करते हैं। सो अब ये पुराने वाले को रखेंगे साइड में, तो उससे पहले हमें करना क्या होगा, इसकी जितनी फिटिंग है जैसे स्टड वगैरह है, सो वो हमें उस नए वाले में टाइट करने पड़ेंगे। सो करते हैं उसे, गाइड में वॉल सीर लगेगी। सो दोस्तों अभी इसमें फिटिंग बहुत है, सो देख सकते हो इसमें अभी बिल्कुल ये खाली है, इसमें तो अभी कोई वॉल्व नहीं है, तो सारी इसकी जगह इस टाइप की ये ऑयल सील आती है, सो ये लगेगी, वॉल्व लगेंगे, सो जितने भी फिटिंग है इसके रॉकर आर्म, सो कंप्लीट इसकी फिटिंग होगी। तो उसके बाद जो इसके टैपेट हैं तो ये भी एडजस्ट होंगे, सो क्योंकि इसमें नया लग रहा है, सो पुराने वाले के हिसाब से वो सेट था, सो अब इसे जो इसके पार्ट्स हैं केम वगैरह जैसे ये हैं, सो इसे नए के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। अब तो इसमें अब टाइम लगेगा, दिखा देते हैं इसके ये पार्ट्स हैं, ये जो इसके ग्लास हैं, सो ये इसके ये भी एडजस्ट होंगे, सो इससे ये जो टैपिट होता है ये एडजस्ट करते हैं। सो जैसे ये भाई अपना लगा पड़ा है, सो जैसे ये हेड को ये वॉल्व प्रॉपर सेट कर रहे हैं, सो इसमें भी अभी ऐसे ही सेट होगा, क्योंकि इसके जो अभी सीट है, सो हम प्रॉपर इसकी लेंगे, जैसे इस हिसाब से देख सकते हो, सो ऐसे ये प्रॉपर इसके भी होंगे, ये वॉल्व जितने भी हैं 16 टोटल वॉल्व हैं। सो उसके बाद इसकी दो केमें एडजस्ट होगी, सो उसके बाद हम जब कंप्लीट हो जाएगा सो उसके बाद इसकी फिटिंग करेंगे, इसे इंजन में फिट करेंगे सिलेंडर हेड को। सो अभी इस टाइम ये बिल्कुल जो आता है कंपनी से बिल्कुल खाली आता है, इसमें कोई भी पार्ट्स लगा नहीं आएगा, देख सकते हो इसमें कोई भी एक भी स्टड नहीं है, तो सारे के सारे स्टड जितने भी होते हैं सब खाली रहते हैं। सो जो दूसरा ब्लॉक है उसके स्टड हो गए ये सब हमें खोलने पड़ेंगे, सो वॉल्व वगैरह जितने भी है सब रिप्लेस हो जाएंगे। सो ये भी अभी ग्राइंड होंगे। सो जब तक होता है चलते गैराज पे, सो बाकी इसकी फिटिंग करते हैं। सो ये इसके सारे वॉल्व हमने निकाल लिए हैं उस पैकेट से,
तो टोटल 16 वॉल्व है। सो इसमें फिटिंग इसकी दोनों की मैच कर लेनी चाहिए, जैसे दिखाया था ये 68P है, सो दोनों में सेम था, तो दोनों हेड जो है सेम है नया वाला। इसमें जो डिफरेंस होगा इसके इनलेट मैनिफोल्ड में होगा, तो इस जगह इसकी टाइमिंग आएगी, सो इस जगह इसकी 2 केम लग जाएगी, पूरी अंदर जाएगी यहाँ से लेके वहाँ तक। सो अभी इसे होने में टाइम लग गया, सो चलते गैराज पे। सो दोस्तों अब इसकी बारी है इसमें वॉल्व लगने की। सो ये जो एक वॉल्व है 115 रुपये का पड़ता है, सो जो पहले पैकेट था वो दूसरा आ गया था डीजल गाड़ी का। सो ये इसमें टोटल 16 वॉल्व हैं, तो सब निकल चुके हैं। सो अब इसमें लग के एमरी, सो फिर इसका सेट होगा ये। टोटल ये रे 16 वॉल्व, ऐसे दिखाऊं। सो ये टोटल ये रे बाकी, सो 6 लगा दिए। सो उस्ताद जल्दी करेंगे फिनिशिंग ऊपर इसका अंडर हेड की, सो उसके बाद हम इसे लेके चलेंगे। सो अभी इसमें टाइम बहुत लगेगा काफ़ी, जो इसकी केम है उस जगह वो देख सकते हो, ये भी है। सो ये भी अभी सेट होगी वॉल होने के बाद। सो अभी ये गाड़ी कली होगी अभी, क्योंकि इसमें कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे अभी करने में। सो एक आध दिखा देते हैं कैसे होगा ये। सो ये एमरी होती है, ये इस वॉल पे ऐसे लग के दोनों का मतलब सीट जो है एक बिल्कुल एक्यूरेट बना। सो इसमें होता क्या है, जो सीट होती है दोनों की एकदम एक्यूरेट हो जाएगी। सो क्योंकि नए करने के बाद लगाने के बाद भी सीट बनानी पड़ती है। सो ये सब पे हल्की हल्की एमरी लगेगी। दोस्तों जो इसके दोनों हैं हो चुके हैं ग्रैंड, सो ये इनलेट वाले भी हो गए, सो एग्जॉस्ट वाले ये लास्ट रह गया। सो दोस्तों ये हो चुका है फाइनली, 16 के 16 वॉल्व ग्राइंड हो चुके हैं। सो कभी भी नया दोनों रहते हैं तो दोनों की मैचिंग करनी जरूरी होती है।
सो अब इसका जो होगा वो केम होगी। सो केम के बाद इसके टैपिट सेट होंगे। सो केम से पहले टैपिट सेट होंगे, सो फिर इसकी केम होगी। सो अब इसके जो होता क्या है, सो एक तो वॉल ग्राइंड होते हैं, सो इसके जो टैपिट हैं सो ये सेट होते हैं। सो उससे पहले हमने इसकी जो केम है सो रिमूव कर लिया। सो अब इसे पेट्रोल से जो इसका हल्का फुल्का बुरादा है सो क्लीन कर लेंगे। सो उसके बाद इस हेड को सो फिट करेंगे। सो इसमें दिक्कत क्या थी जो पुराने वाले में देख सकते हो, सो ये पूरे गड्ढे हो चुके हैं और ये दो बार हो चुका है मैक्सिमम पहले भी फेस। सो अब ये डेड हो चुका है बिल्कुल ही, ये इतने होल होल हो गए। सो अभी इसे करते हैं फिटिंग। सो दोस्तों ये इसके चार बोल्ट लगा दिए हैं, सो हेड बैठा दिए हैं। सो अभी ये बाकी बोल्ट छह लगाते हैं। सो दोस्तों इसके ये प्रॉपर सारे बोल्ट 10 थे, सो 10 टाइट हो गए। सो अब बारी है इसके जो ये दोनों इसकी केमें हैं। सो अब केम टाइट करते हैं। सो उसके बाद इसकी टाइमिंग साइड टाइट करेंगे। सो दोस्तों इसकी ये एग्जॉस्ट केम है। सो इस पे लिखा हुआ है EX, सो इस पे IN लिखा है। सो अभी रोटेट करेंगे। सो ये इसका हेड कंप्लीट हो चुका है। सो अब बची इसकी टाइमिंग। सो टाइमिंग करके सो ऊपर का कवर टैपिट कवर सो कंप्लीट कर देंगे। सो उसके बाद इसकी जितनी भी साइडों की फिटिंग है सो वो करेंगे। सो ये प्रॉपर है। सो इस कैप में जो होते हैं ये दोनों जो केम शॉफ्ट है, एक इनलेट केम शॉफ्ट एक एग्जॉस्ट केम शॉफ्ट, सो इसके कैप होते हैं। सो एक कैप पे एरो भी दे रखा है और मार और लिखा भी हुआ है, जैसे I3 जैसे फर 1 2 3 4 5। सो इस पे भी है। सो ये टाइमिंग साइड होना चाहिए सारे कैप। सो एरो भी है, सो 1 2 3 4 5। सो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो बारी है इसकी इस जगह इसकी टाइमिंग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों ये हो चुकी है फाइनली कंप्लीट। सो ये इसमें चेक इंजन लाइट आ रही है, सो ये रेस कर देते हैं। सो बाकी हो चुकी है गाड़ी कंप्लीट। सो ये गाड़ी ओवरहीट हो गई थी, तो गाड़ी 1,66,000 किलोमीटर चल चुकी है। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक से एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। Thank you.